बाबा लाल दयाल मंदिर के अध्यक्ष दीपक चड्ढा और किसान नेता महिमा सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्हें नई धान मंडी के ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में पार्टी के राजस्थान प्रभारी और दिल्ली के विधायक विनय मिश्रा, राजस्थान के सह प्रभारी बल्लूआना विधायक अमनदीप गोल्डी मुसाफिर ने पार्टी में शामिल किया है। दीपक चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी नफरत की बात नहीं करती, इसीलिए वे पार्टी में शामिल हुए हैं। राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि पंजाब में हमारे पास में राघव चड्ढा है, तो अब राजस्थान में दीपक चड्ढा है। मिश्रा ने कहा कि बीजेपी डराने वाली राजनीति करती है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ता हुआ आज दीपक चड्ढा जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें हमारे राजस्थान के प्रभारी श्रीमान विनय मिश्रा जी और सह प्रभारी अमनदीप गोल्डी मुसाफिर जी एमएलए साहब पधारे हैं। और अब हमें ये लगने लग गया कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि लोग बीजेपी और कांग्रेस से बड़े सालों से दुखी हैं। ये दोनों पार्टी जनता को ठगने के अलावा कोई काम नहीं करती। आज अब ये जनता जाग चुकी है, अब विदाई कांग्रेस और बीजेपी की तय, और आने वाला समय आम आदमी पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी।